अगर आप आईआईटी के बारे में जानना चाहते हैं तो बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको आईआईटी से रिलेटेड पूरी जानकारी दूंगा। तो चलिए आइए जान लेते हैं कि इस वीडियो में हम लोग क्या क्या जानेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आईआईटी क्या होता है, व्हाट इज आईआईटी। इसके बाद हम लोग जानेंगे कि आईआईटी के लिए क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, आईआईटी के लिए ट्वेल्थ में कितने परसेंटेज मार्क्स होने चाहिए, आईआईटी का एग्जाम आप कितनी बार दे सकते हैं, आईआईटी में कैसे एडमिशन होगा, क्या सिलेक्शन प्रोसेस होता है, सिलेबस क्या होता है, उसके साथ साथ किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, अगर आपका आईआईटी में सिलेक्शन हो जाते तो टोटल कितने पैसे लगेंगे आपको ये कोर्स करने में। उसके बाद फाइनली हम लोग जानेंगे कि अगर आप कोर्स कर लेते हैं, आपको जॉब मिल जाती है, तो जॉब की सैलरी कितनी होगी और आईआईटी के क्या फ़ायदे हैं। इस तरह की बहुत सी इंपॉर्टेंट बातें आज की वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। इसलिए दोस्तों, अगर आप जानना चाहते तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखिएगा। मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं आयुष सूर्य यूट्यूब चैनल। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को शुरू करते हैं। तो आइए अब हम लोग बात करते हैं कि आईआईटी क्या है। तो देखो गाइस, किसी क्रिकेटर के लिए फर्स्ट सेंचुरी है आईआईटी, किसी यूट्यूबर के लिए वायरल वीडियो है आईआईटी, आपको देख के आपकी क्रश का फर्स्ट टाइम स्माइल करना है आईआईटी। नहीं समझे? चल मैं फिर से समझाता हूँ। देखो, अगर किसी स्टूडेंट को इंजीनियरिंग करनी होती है तो इंजीनियरिंग के लिए तो देश भर में बहुत तरह के कॉलेज हैं, स्टेट में बहुत तरह के कॉलेज होते हैं, बहुत तरह के एंट्रेंस एग्जाम होते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर हम लोग बेस्ट की बात कर ले तो बेस्ट होता है आईआईटी। आईआईटी का फुल फॉर्म होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। जैसे कि मैंने बोला, इंजीनियरिंग करने के लिए बहुत तरीके के कॉलेज हैं, बहुत तरीके के एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, जैसे बिट्स पिलानी हो गया, WBJEE हो गया, और भी बहुत तरह के स्टेट में, अलग अलग स्टेट में एंट्रेंस एग्जाम होते हैं जिसको पास करके आप उस स्टेट में किसी कॉलेज में इंजीनियरिंग का कोर्स कर सकते हो। लेकिन दोस्तों, आईआईटी बेस्ट है। पूरे देश में आईआईटी के सिर्फ 30 कॉलेज है और आईआईटी में आपको बहुत अच्छी फैकल्टी मिलती है, सब कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह बहुत अच्छा मिलता है। कहने का मतलब है कि अगर किसी स्टूडेंट को इंजीनियरिंग करना होता है तो उसके लिए बेस्ट इंस्टीट्यूट होता है आईआईटी के थ्रू वो इंजीनियरिंग करे। अब हम लोग जानते हैं कि आईआईटी के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो देखो गाइस, आईआईटी के लिए सिंपल सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आप क्लास 12 पास होने चाहिए और क्लास 12 में आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स ये सब्जेक्ट होने चाहिए। इसके साथ साथ आपको मार्क्स का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अगर आप आईआईटी करना चाहते हैं तो दोस्तों, आपके मिनिमम 75% मार्क्स होने चाहिए, और अगर आप एससी और एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो मिनिमम 65% मार्क्स आपके होने चाहिए, तभी आप एलिजिबल हो पाएंगे आईआईटी कॉलेज से इंजीनियरिंग करने के लिए। यहाँ पर आपको एक चीज़ और जानना बहुत ज़रूरी है। देखो, आईआईटी में आप डायरेक्ट एडमिशन नहीं ले सकते, इसके लिए दो स्टेज होते हैं। अगर आपको आईआईटी कॉलेज से इंजीनियरिंग करना है तो दोस्तों, उसके लिए सबसे पहले आपको जेई मेन्स का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। जी हाँ, जेई मेन्स का भी एग्ज़ाम दोगे, उसमें अगर आप क्वालिफाई कर जाते हो उसके बाद ही आप एलिजिबल होगे जेई एडवांस का एग्ज़ाम देने के लिए, एंट्रेंस एग्ज़ाम देने के लिए। अगर आप जेई एडवांस के एंट्रेंस एग्ज़ाम में अच्छी रैंक लाते हो तब आपको आईआईटी कॉलेज मिलेगा। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आप आईआईटी कॉलेज के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं दे सकते। सबसे पहले आप जेई मेन्स का एग्ज़ाम दोगे, उसमें अगर आप क्वालिफाई करते हो तो जेई एडवांस का एग्ज़ाम दोगे। अगर उसमें आप अच्छी तरीके से क्वालिफाई करते हो, जो उसका क्राइटेरिया है, अच्छी रैंक लाते हो, तब दोस्तों उसके बाद आपको आईआईटी का कॉलेज मिलेगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि कितनी बार एग्ज़ाम दे सकते हैं। देखो गाइस, अगर आपको आईआईटी में एडमिशन लेना है तो दोस्तों, जिस साल आप क्लास 12 पास करोगे उस साल और उसके एक साल बाद, यानी कि सिर्फ आप दो ही बार अप्लाई कर सकते हो। ये मैं आईआईटी की बात करूं। अगर आपको जेई मेंस का सिर्फ एग्ज़ाम देना है तो आप तीन बार अप्लाई कर सकते हो। जिस साल आप 12 पास करोगे उस साल, उसके अगले साल और फिर उसके अगले साल। कहने का मतलब है कि अगर आपने 2022 में 12 का एग्जाम पास किया तो अब 2022 में जेई मेंस का एग्जाम दे सकते हो, 2023 में जेई मेंस का एग्जाम दे सकते हो और 2024 में जेई मेंस का एग्जाम दे सकते हो। लेकिन अगर आपको आईआईटी में एडमिशन लेना है तो अगर आपने 2022 में 12 पास किया है तो दोस्तों, अब 2022 में एग्जाम दे सकते हो और 2023 में एग्जाम दे सकते हो। कहने का मतलब है कि आईआईटी में एडमिशन के लिए सिर्फ आपको दो मौके मिलेंगे, और जेई मेंस जिसके थ्रू आप एनआईटी में जाके एडमिशन ले सकते हो, उसके लिए आपको तीन कॉलेज मिलेंगे। आईआईटी बेस्ट होता है, और अगर हम लोग सेकेंड बेस्ट की बात कर ले तो एनआईटी होता है, यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इतना तो हमने जान लिया, अब हम लोग बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस का। तो दोस्तों, सिलेक्शन प्रोसेस वही सिंपल सा है। अगर आपको आईआईटी में एडमिशन लेना है तो सबसे पहले आप जेईई मेंस क्वालिफाई कीजिए, यानी कि ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम उसका मेंस क्वालिफाई कीजिए। अगर आप उसको क्वालिफाई कर लेते हैं तो सेकेंड स्टेज में पहुंच जाओगे, जहाँ पे आपको जेईई एडवांस का एग्जाम देना पड़ेगा, एंट्रेंस एग्जाम। वहाँ पे अगर आप अच्छी रैंक लाते हैं तो दोस्तों, आपको अच्छा आईआईटी कॉलेज मिलेगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट के मन में एक सवाल आ रहा होगा
कि क्या होगा कि अगर हमने जेई मेंस क्वालिफाई कर लिया, अच्छी रैंक ला दी, लेकिन जेई एडवांस अच्छी तरीके से ना हो पाया या फिर अच्छी रैंक ना आई, तब क्या होगा। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, देखो अगर आपने जेई मेंस क्वालिफाई किया, अच्छी रैंक आई है, तो दोस्तों आपको NIT कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। इंडिया में टोटल 31 यानी कि 31 NIT कॉलेज है एंड 23 यानी कि 23 IIT कॉलेज है। अगर आपने सिर्फ जेई मेंस अच्छी रैंक से क्वालिफाई किया है तो दोस्तों आपको NIT कॉलेज मिलेगा, वो भी बहुत बढ़िया होता है। IIT के बाद NIT ही बेस्ट होता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं एग्जाम पैटर्न के बारे में कि क्या एग्जाम पैटर्न होता है। तो दोस्तों जैसे कि आपको मैंने बताया है कि IIT में एडमिशन लेने के लिए आपको जेई मेंस से गुजरना पड़ेगा। तो अगर हम लोग जेई मेंस के एग्जाम पैटर्न की बात कर ले तो इसमें दोस्तों टोटल क्वेश्चन होते हैं 75, फिजिक्स के 25, केमिस्ट्री के 25 एंड मैथमेटिक्स के 25। टोटल 75 क्वेश्चन होते हैं, टोटल मार्क्स होते हैं 300 और इसके लिए आपको 3 घंटे का समय मिलता है। अगर आप जेई मेंस में क्वालिफाई हो जाते हैं तो उसके बाद दोस्तों आप एलिजिबल हो जाएंगे जेई एडवांस के लिए अप्लाई करने के लिए। जेई मेंस के रिजल्ट के कुछ टाइम बाद जेई एडवांस का आपको एग्जाम देना पड़ेगा। जेई एडवांस का जो एग्जाम पैटर्न है कोई फिक्स नहीं होता, जैसे कि जेई मेंस में है कि आपको MCQ टाइप क्वेश्चन आएगा, टोटल क्वेश्चन 75 रहेगा, लेकिन जेई एडवांस में कुछ फिक्स नहीं होता। इसमें MCQ टाइप क्वेश्चन भी आ सकता है, इसमें आपको असर्शन रीजन टाइप भी क्वेश्चन आ सकता है, इसमें दोस्तों आपको इंटीजर टाइप भी क्वेश्चन आ सकता है, और इसमें ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं जिसके एक से ज़्यादा ऑप्शन सही होते हैं। तो इसमें ना एग्जाम पैटर्न डिसाइड होता है कि इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, और ना ही ये डिसाइड होता है कि कितने टोटल मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। लेकिन हाँ ये है कि इसमें आपको 3-3 घंटे के 2 पेपर देने होते हैं। हर साल इसके एग्जाम पैटर्न में कुछ ना कुछ बदलाव होता रहता है, इसी वजह से इसकी डिफिकल्टी बढ़ जाती है, क्योंकि पहले से आइडिया नहीं रहता कि क्या एग्जाम पैटर्न होगा, कितने क्वेश्चन आएंगे, किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। तो अगर आप जेई एडवांस में आप अच्छी रैंक लाते हैं तो दोस्तों आपको अच्छा कॉलेज मिलेगा, बेस्ट कॉलेज मिल सकते हैं इंडिया का। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि कौन कौन से टॉप कॉलेज हैं IIT के। तो देखो गाइस, IIT अपने आप में ही बहुत अच्छा है, बेस्ट है, उसके जितने भी कॉलेज हैं बेस्ट है। लेकिन दोस्तों उसमें भी जो सबसे अच्छे कॉलेज हैं उसमें आपको IIT चेन्नई आ जाता है, IIT दिल्ली आ जाती है, IIT बॉम्बे आ जाता है। ये जो 2-3 कॉलेज है ये टॉप के कॉलेज होते हैं। इसके अलावा दोस्तों अब हम लोग जान लेते हैं कि कितनी फीस लगेगी, क्योंकि दोस्तों ये सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है। तो देखो अगर हम लोग फीस की बात कर ले कि कितनी फीस लगेगी, तो दोस्तों IIT की फीस थोड़ी सी ज़्यादा होती है। अगर टोटल 4 साल के कोर्स की बात कर ले और टोटल फीस की बात कर ले तो दोस्तों आपके 8 से 10 लाख रुपए लग जाएंगे पूरे कोर्स में। आपको इसमें मेस, हॉस्टल, ट्यूशन फीस सब कुछ इंक्लूड है। अप्रॉक्स इतना लग ही जाता है जो टॉप के 4-5 कॉलेज है उसमें इतनी फीस होती ही है। लेकिन हाँ एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि हो सकता है कि आने वाले समय में फीस स्ट्रक्चर में थोड़ा सा बदलाव हो सकता है, तो इसकी वजह से फीस थोड़ी सी कम भी हो सकती है, थोड़ी सी ज़्यादा भी हो सकती है। लेकिन मैंने आपको एक एवरेज बताया जो कि टॉप के IIT कॉलेज है उसमें 8 से 10 लाख पूरे कोर्स की फीस लग ही जाती है। अब हम लोग जान लेते हैं कि एंट्रेंस एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो देखो मैं आपको बताना चाहूँगा NCERT क्लास 11th और NCERT क्लास 12th के फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स इन्हीं के सिलेबस के अंदर से क्वेश्चन आते हैं। हाँ ये हो सकता है कि जब आप जेई मेंस का एग्जाम दोगे तो जो क्वेश्चन की जो लेवल होते हैं, जो डिफिकल्टी होती है, वो उतनी डिफिकल्ट नहीं होगी। लेकिन जब दोस्तों जेई एडवांस का एग्जाम दोगे तो उसमें आपको क्वेश्चन की डिफिकल्टी अच्छी खासी देखने को मिलती है। इसीलिए ऐसा नहीं कि आप बिना पढ़े मजे में आप जेई मेंस जेई एडवांस क्वालिफाई कर लोगे। जेई मेंस तो चलो आप निकाल भी लोगे, लेकिन दोस्तों अगर आपको जेई एडवांस क्वालिफाई करना है, अगर आपका सपना है कि हाँ IIT में ही मुझे पढ़ना है, IIT से ही मुझे इंजीनियरिंग करनी है, तो दोस्तों आपको अच्छी तरीके से लग के पढ़ना पड़ेगा। अगर आपको खुद पे विश्वास है, अगर आपको भी लगता है कि नहीं आप IIT में एडमिशन ले लोगे, तो दोस्तों कमेंट करके IIT लिखो, IIT में आप कमेंट लिखिए, जिससे पता चलेगा कि हाँ आप में विश्वास है, आप मेहनत करने को तैयार हो, आप अच्छी तरीके से पढ़ाई करोगे और IIT में एडमिशन जरूर लोगे। कमेंट में आप IIT जरूर लिखिए। तो चलिए अब हम लोग फाइनली जान लेते हैं कि इतना सारा मेहनत करने के बाद, इतनी सारी पढ़ाई करने के बाद जो आपकी जॉब लगेगी तो सैलरी कितनी मिलेगी। तो दोस्तों इतना सारा जब आप परिश्रम करोगे, इतना मेहनत करोगे, तो मेहनत का फल मीठा होता ही है। जी हाँ दोस्तों, जब आपकी जॉब लगेगी तो दोस्तों आपकी सैलरी बहुत अच्छी खासी होगी। कुछ कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनकी सैलरी करोड़ों रुपए में होती है। जी हाँ, अगर आपका सपना है कि आप विदेशों में जाकर जॉब करें, तो दोस्तों IIT के थ्रू आपका ये सपना बहुत आसानी से पूरा हो सकता है। आपको विदेश की कंपनी आकर माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, गूगल, Amazon जैसी बड़ी बड़ी कंपनी आकर आपको प्लेसमेंट देगी और वहाँ पे आप जाके जॉब कर सकते हो। कहने का मतलब है कि इतना मेहनत करने बाद आपकी लाइफ पूरी तरीके से सेटल्ड हो जाती है।
तो आप ये मान सकते हो कि IIT अगर आप अच्छी तरीके से कर लेते हो तो दोस्तों आपके सारे सपने पूरे हो जाएंगे, आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। स्टूडेंट के मन में एक और सवाल होता है कि क्या IIT करने के बाद जॉब मिल ही जाएगी। देखो भाई, जब आप कुछ चीज़ टॉप इंस्टीट्यूट से करोगे, जब आप कोई काम बहुत अच्छे तरीके से करोगे, जब आप कोई चीज़ को बहुत अच्छे गुरु से सीखोगे तो दोस्तों आप वो चीज़ सीख जाओगे। ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आप उस चीज़ को सीख जाओगे। हाँ, ये चीज़ है कि मेहनत तो आपको भी करना पड़ेगा। अब आपके टीचर ही बहुत अच्छे हो, वो बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाते हैं, बहुत अच्छी तरीके से समझाते हैं, लेकिन आप कुछ सीखना ही ना चाहो, आप उसके पीछे मेहनत ही ना करो, तो टीचर तो अपना ही काम कर सकता है ना, आपके हिस्से का तो काम नहीं कर सकता। इसलिए और बहुत ज़्यादा होता है कि जब स्टूडेंट IIT क्रैक करके IIT में एडमिशन लेता है तो उसका एक लेवल होता है। ऐसे तो कोई नहीं पहुंच जाएगा, जो IIT क्रैक करके चला जाएगा उसका भाई एक लेवल होगा और इसी वजह से उसकी जॉब भी लग जाती है और सैलरी बहुत अच्छी खासी मिलती है। अगर आप सैलरी के बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं। गूगल पे जाके सर्च कीजिए howtobecomeinindia.in, आयुषरीना वेबसाइट मिल जाएगी, बहुत सारे आर्टिकल हैं, उसे पढ़ सकते हैं। फिर नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो वहाँ पे आपको एक सर्च बॉक्स मिलेगा, वहाँ पर IIT लिख के सर्च करेंगे तो उससे रिलेटेड आपको आर्टिकल मिल जाएगा, उसे पढ़िए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, कुछ पूछना है तो वो भी कमेंट करके बताइए। और अगर आपको लगता है कि आप IIT क्रैक कर लोगे तो IIT जरूर लिखे कमेंट में। इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सभी ने इस वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।